अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एंड इस कॉलेज में हुआ योगाभ्यास कार्यक्रम। योग है शांति का सूत्रधार, विश्व योग दिवस पर बोले सिंचाई मंत्री। बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, सरकार की उपलब्धियों का हुआ बखान। जिला परिषद की साधारण सभा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के क्रियान्वयन पर चर्चा। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम राजकीय एनएमडीसी कॉलेज में हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों सहित स्कूली बच्चों और काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग के जरिए निरोग रहने की कला सिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए कार्यक्रम में योग के जरिए निरोग रहने और जीवन जीने की कला सिखाई गई। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक, सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सभापति राजकुमार हिसारिया, जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, एसपी यादराम फांसल, एडीएम प्रकाश चौधरी, सीएमएचओ अरुण चमड़िया, पीएमओ एमपी शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पतंजलि योग समिति की प्रभारी रेणु चौधरी ने योगाभ्यास करवाया। उन्होंने योग के जरिए निरोग रहने की कला सिखाई। इस मौके पर प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक का कहना था कि जब देश ही नहीं पूरी दुनिया ने योग को अपना लिया, तो योग को प्रतिदिन अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि योग के जरिए शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य लाभ होता है। आप दोनों पैरों में, दोनों हाथ सामने, एक हाथ कंधे पे रखते हुए पीछे जाएंगे, बिल्कुल कमर घूमे जी, लेकिन आपके पैर वहीं रहेंगे जमे हुए। एक बार के एक हाथ कंधे पे रखते हुए पूरा पीछे जाएंगे, एक हाथ कंधे पे लगा लेंगे, बढ़ता है और हाइट बच्चों की सही जाती है, नाभि सही जाती है। चार सीधा बिल्कुल, पांच फिर पैर उठा लेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा अगर परिभाषित करें तो उसमें शरीर से हट्टा कट्टा होना अकेले स्वास्थ्य की निशानी नहीं। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, आज का आपका सामाजिक स्वास्थ्य, इससे आपके संस्कार भी अच्छे हैं। आज इसकी हर हिंदुस्तान में, यानी पूरे विश्व में इसको घर घर ये पहुंच चुका है। और आज का हम देखें तनाव, थकान, चिड़चिड़ाहट, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा मन, तन और आत्मा स्वस्थ रहे, तो इसके लिए हम योग करें। और मैं ये कहना चाहूंगा कि गम एक अनुभव है, गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, लेकिन जीता वही है जिसे खुद पर विश्वास है, जीता वही है जिसके पास योग है। तो इसको योग को अगर आपको ढंग से जीना है तो समय निकालिए योग के लिए। योग का मतलब ही है जोड़ना, अपने तन को जोड़ें, अपने मन को जोड़ें, अपनी आत्मा को जोड़ें और साथ के साथ अपने देश को भी जोड़ें। वो कहते हैं कि हाथों में गीता, दिल में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाएंगे भाईचारे का, ऐसा अमन व ईमान रखेंगे, काशी होगी काबा में होगा, मगर निगाहों में सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे, निगाहों में सबसे पहले राजस्थान रखेंगे, ऐसी भी हमारी भावना रहनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुए कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने योग दिवस पर आमजन को अपना संदेश दिया। उन्होंने योग को अपनाने की बात कही। सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने तो योग को शांति का सूत्रधार बताया। दुनिया योग करने लग जाए ना तो विश्व में शांति का सूत्रधार इससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मैं हनुमानगढ़ का प्रभारी होने के नाते यहाँ पर आया हूँ। हम सब ने मिलकर के भी योगाभ्यास किया है और आज के दिन मेरा ये कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरे विश्व में ये गौरव दिलाया कि आज इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और बाबा रामदेव जी ने इसे घर घर के में पहुँचाया। तो मेरा सबसे ये कहना है कि आप योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला स्तरीय योग समारोह में हम सब ने शिरकत ली और काफ़ी संख्या में लोगों ने योग का अभ्यास किया और हमें उम्मीद है कि जो योग के फायदे हैं और जो योग के स्वास्थ्य के आपको जो फायदा होता है वो सब लोगों को पता चल चुका है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मनाया जा रहा है, तो इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो तन से और मन से सुखी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और इससे निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य बनेगा, मन का स्वास्थ्य बनेगा
मन के स्वस्थ व्यक्ति समाज और देश के प्रति अपनी कर्तव्यों को पूरी तरह से समझता है। मेरी शुभकामना है कि हर व्यक्ति योग दिवस के रूप में जो अपने आप संकल्प लिया है वो तो योग के रूप में अपने खुद को प्रयास खुद को अपने परिवार को एवं समाज के अन्य लोगों को योग करवाए। आज पतंजलि योग समिति की तरफ से योग का कार्यक्रम करवाया गया है। प्रशासन ने और आयुर्वेद अधिकारियों ने सभी ने इसमें बहुत सहयोग किया। स्कूल के बच्चों ने और टीचर्स ने और सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। अच्छी संख्या थी और योग प्राणायाम के रहस्य हमने बताए और आसनों के बारे में बताया गया। इसमें मेरे को ज़्यादा तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इतना अनुभव जरूर है कि योग से जो है ना बहुत से फायदे होते हैं और इसमें मैं खुद डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ और इसे मेरे बिल्कुल कंट्रोल हो गया डायबिटीज़। दो महीनों से आ रही हूँ, मेरे को सांस की तकलीफ है और मैं आगे से रिलैक्स कमर में दर्द था, बहुत ज़्यादा योग करने से बहुत ज़्यादा आराम है। हासिल किए और पादहस्तासन और उससे काफ़ी लाभ हुआ है हमें। जो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो दूर होती है, पेट की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। हम मुझे काफ़ी दिनों से माइग्रेन प्रॉब्लम है तो मैडम के पास आने के बाद मुझे काफ़ी राहत मिली है। भाजपा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में हुआ। सबका साथ सबका विश्वास का नारा देते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया। जिले भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी सहित उन योजनाओं को कारगर बताया जो सीधे आमजन से जुड़ी है। भाजपा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जीएम रिसोर्ट में हुआ। सम्मेलन में प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक, सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल, सांसद निहाल चंद मेघवाल, विधायक द्रौपदी मेघवाल, अभिषेक मटोरिया, जी बेनीवाल, मेहरुनिसा टाक, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन का आगाज वंदे मातरम के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से आमजन को अवगत करवाया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया भर में मिले स्थान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों, वृद्धजनों, महिलाओं सहित आमजन के लिए ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है जिसे योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंद को पहुंचता है। इस अवसर पर उज्ज्वला योजना से भी लाभान्वित किया गया। इसके सिवाय प्रदेश के
आज केंद्र सरकार के तीन वर्ष सफलतम गौरवशाली तीन वर्ष पूर्ण होने पर सबका साथ सबका विकास में ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें जो सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे डीमोनिटाइजेशन हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, जो भी हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं उसके बारे में आज सब कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। और सभी कार्यकर्ताओं से यह भी आह्वान किया गया है जो भी अपनी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना है उन योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारत के नागरिक को उसका लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था कार्यकर्ता करें। इसीलिए इस कार्यकर्ताओं को ये तीन साल केंद्र सरकार के पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम रखा गया। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक अभिषेक मटोरिया ने विमुद्रीकरण के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उनका कहना था कि जिस तरह जनता ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर साथ दिया ये काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मोदी सरकार ने लाल नीली बत्ती हटाकर खास और आम के भेदभाव को खत्म किया है। उस बात को मोदी जी ने विदेशी कंपनियां जो हाट में स्टैंड डालने के बहाने सवा लाख का बिल बनाया करती थी वो समाप्त हो चुका है। 83% गिरावट हाट के स्टैंड के रेट में आई। मुझे नहीं पता ये बात उससे पहले किसी ने बताई है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो हाट का स्टैंड 70,000, 80,000, 90,000 रुपये में मिलता था वो केवल 20,000 और 22,000 में मिलता है। इस बात को अगर किसी ने पहचाना तो आपकी सरकार। चौथी बड़ी बात, आम आदमी को अपने प्रमाण पत्र का टेस्ट कराने के लिए या तो नेताओं के पास या तहसील में चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो समय बीत गया। ये बात भूल गए थे कि फैसला केंद्र की कैबिनेट में ये बिल पास हुआ एक घंटे के साथ ये इस नियम में परिवर्तन हुआ। अब आप अपने प्रमाण पत्र पर अगर स्वयं नहीं देंगे कि डाक करना पड़ता तो आपका प्रमाण पत्र मान्य होगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार ने कर दी। जिसका प्रत्येक किसान को लाभ, खेत किसान के खेत को खलिहान से लेकर वाई से लेकर खलिहान तक फसल का बीमा और बहुत ही कम मार्जिन पर 1.5 से 2% मार्जिन पर आज बीमा किया जा रहा है। इसी प्रकार मोदी जी ने एक आह्वान किया कि गरीब को गैस की सब्सिडी, गैस का सिलेंडर कैसे मिले, तो माननीय मोदी जी ने आह्वान किया तो 2 करोड़ लोगों ने, भारत के लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और उसका लाभ जो गरीब आज तक गैस का सिलेंडर जिनको नसीब नहीं हो पाया था उन 2 करोड़ गैस सिलेंडरों को किसी गरीब को बांटने का काम किया। इसी प्रकार फसल का था, फसल खराब होती थी किसान भाई ज्यादा बैठे, फसल खराब होती 50% से ज्यादा खराब होती थी तो मुआवजा मिलता था, लेकिन मोदी जी सरकार ने आते ही इसको घटाकर 33% किया। इसी प्रकार चाहे कौशल योजना हो, मुद्रा योजना हो, सबको आवास आवास की योजना हो, चाहे माता स्वास्थ्य कार्ड, धरती माँ का स्वास्थ्य कैसा है, तो इस प्रकार 154 योजनाएं कुल योजनाएं चल रही है जिसका जिनका बेनिफिट और गांव के गरीब लोगों को मिलने लग गए। तो मैं समझता हूँ कि गांव के गरीब का उत्थान होगा, गांव का उत्थान होगा और देश का भी उत्थान होगा। केंद्र सरकार के इस सबके साथ इस सबके सबका साथ सबका विकास की इस 3 साल के कार्यकाल के बाद में केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ बताने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि बेसिक तो हम लोग सारी उपलब्धियाँ आपके सामने हमेशा रखते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की कुछ ऐसी उपलब्धियाँ
तो सिर्फ इसीलिए भेजा था
प्रधान सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, ग्राम सड़क योजना के तहत सेकंड फेज की जो शुरुआत की जा रही है, उसमें जो पूर्व में 10 साल पूर्व जो सड़कें बनी है उनके क्राइटेरिया के हिसाब से पुनर्निर्माण करना या चौड़ाई बढ़ानी है, उसकी मीटिंग में अनुमोदन किया। जिले के प्रतिनिधि इस उम्मीद के साथ आए थे कि जिले के अंदर नई सड़कें मिलेगी, लेकिन ये जो आज की जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद में तय हो गया कि जिले में कोई नई सड़कें मिलने वाली नहीं है। उन्हीं सड़कों को, नाम मात्र की सड़कें, जिले की 5-6 सड़कों को देकर के निश्चित रूप से पूरे जिले के साथ धोखा किया है, और पूरे जिले के अंदर मात्र 34 किलोमीटर की सड़क देना, ये पूरे जिले के साथ धोखा है। जिला परिषद की बैठक के बाद जिला परिषद डायरेक्टर मंगेश चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सरकार की आमजन को गुमराह करने की नीति बताया। चौधरी का कहना था कि नई सड़कें मिलने की उम्मीद से बैठक में आए थे, लेकिन पुरानी सड़कों को रिन्यू करना भी संभव नहीं हुआ। ऐसे में ये योजना केवल दिखावा है। वहीं उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने की बात कही। निश्चित रूप से पूरे जिले के साथ धोखा किया है, और पूरे जिले के अंदर मात्र 34 किलोमीटर की सड़क देना, ये पूरे जिले के साथ धोखा है। निश्चित रूप से जनता इसके खिलाफ सड़कों पर आकर के लड़ाई लड़कर के जनता अपनी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से बैठक में पहले कहा गया था भी सेकंड फेज के तहत नई सड़कें दी जाएगी, लेकिन पूरे जिले में एक भी नई सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दी नहीं गई है, और पुरानी सड़कों में भी इन्होंने बना बनाया है कि जिसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है उसको देंगे, जिसके ऊपर आस पास गाँव ज़्यादा लगते हैं, जबकि हमारे नोर क्षेत्र के अंदर जो सवा लिप किनार के नहर के पास में जो एक सड़क बनी हुई है, पिछले 10 सालों से टूटी हुई है और 30 गांव उससे परेशान है, लेकिन हमने बार बार आग्रह करने के बाद भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर उस सड़क को नहीं लिया गया। इससे निश्चित रूप से ये सिर्फ सरकार लोगों को बहका रही है, झूठे वादे कर रही है, और सड़क का जो कार्यक्रम है ये इनका कुल मिलाकर के लोगों को गुमराह करने का कार्यक्रम है। इसके खिलाफ हम सड़कों पर सरकार के साथ निपटेंगे। किसान कर्जा मुक्ति आंदोलन के तहत किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया और एसडीएम को ज्ञापन देकर प्रदेश सरकार से किसानों की कर्ज मुक्ति और केंद्र सरकार से लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग की। किसान मोर्चा के सदस्यों ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर चर्चा के साथ ही किसानों को हो रहे घाटे को लेकर चर्चाएं करते हुए सरकार को चेताने का निर्णय लिया। किसान मोर्चा ने आगामी रणनीति तय करते हुए 24 जून को जयपुर में किसानों के प्रदर्शन करने और सरकार को कर्जा माफी की मांग से अवगत करवाने का निर्णय लिया है। 19,000 हेक्टेयर के अंदर 4800 रुपए के हिसाब से अगर करें तो 57 करोड़ रुपए होता है। इसी तरह से मूंग की फसल 46,000 हेक्टेयर के अंदर मूंग की फसल थी और 5,25 रुपए का रेट था, परंतु ये घूमी भरी सरकार ने यह किया कि हमें मूंग तो थोड़ा बहुत खरीदना पड़ेगा परंतु इन व्यापारियों को पहले खरीद लेने दो, और लास्ट में जो केवल मात्र थोड़ा सा मूंग बचा तो गवर्नमेंट कहती है मूंग खरीदेंगे और 525 रुपए खरीदेंगे। केवल मात्र 6,000 हेक्टेयर का मूंग खरीद पाई, कोई मजाक की बात है? किसान को इस तरह से मार रहे हैं, और उस मूंग के अंदर हमारे जिले के अंदर 19 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन तीनों फसलों का ही अगर मिलाए तो 513 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे इस एक साल की तीनों फसलों के अंदर हुआ है। अगर एक जिले में 513 करोड़ का हो तो हमारे 33 जिले हैं, 33 जिले के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। नहीं, फसल का लाभकारी मूल्य देने की मांग पर एकत्रित हुए हैं और इस विश्वास और इस आशा के साथ इकट्ठे हुए हैं कि आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर के आगे एकत्रित किसान राजस्थान के अंदर कर्जा मुक्ति आंदोलन की अगुवाई करेंगे, राजस्थान के किसान को कर्जा मुक्त करवाएंगे और फसल का पूरा लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे। जयपुर में तमाम राजस्थान के उन प्रमुख लोगों को जो समय समय पर किसान आंदोलन की अगुवाई करते रहे हैं उनको इकट्ठा करके और हम राजस्थान स्तर पर किसानों का मजबूत आंदोलन बनाकर, मजबूत आंदोलन खड़ा करके और सड़कों पर राजस्थान की सरकार से लड़कर संघर्ष करके इस हालात को पैदा कर दें कि राजस्थान की सरकार किसान का कर्ज मुक्त करे और भारत की सरकार किसान को लाभकारी मूल्य देने की बात करे। सारे संगठन, किसान संगठन वालों ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साड़ी यही मांग है कि पंजाब सरकार किसानों का 1500 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर सकती है,
ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਯੂਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸਮੇਂ, ਔਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਇਸਸੇ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕਰ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਲੜੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ। ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੇ ਨਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਮਦਰਸਾ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮੀਦੀਆ ਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਿਆਰ ਦਾਵਤ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਮੋਰਚਾ ਨਗਰ ਮੰਡਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਫਤਿਆਰ ਦਾਵਤ ਮੇਂ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਿਆਰ ਕੀਆ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕੀ ਦੁਆ ਮਾਂਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸਹੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। जंक्शन के नए खुंजा स्थित मदरसा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नगर मंडल की ओर से रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर भाजपा नेता अमित सहू, विस्तारक प्रभारी सलीम भाटी, राजेंद्र चौधरी, अरुण खिलेरी आदि उपस्थित रहे। भाजपा नेता अमित सहू ने रोजेदारों को खाना परोसा और उनके साथ ही इफ्तार दावत में शामिल भी हुए। रोजेदारों ने इफ्तार के बाद नमाज अदा कर इलाके की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर मंडल अध्यक्ष रमजान खान ने बताया कि इससे पूर्व बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने वार्डवासियों से उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। भाजपा नेता अमित साहू ने हर संभव निराकरण का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर आमजन को भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। नगर मंडल हनुमानगढ़ द्वारा खुंजा में इफ्तार पार्टी रखी गयी और खुंजा मदरसा हमीदिया में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और साथ ही साथ बूथ कमेटियों की मीटिंग भी हुई। इसमें बूथ कमेटियों की मीटिंग की अध्यक्षता पूर्व पार्षद मोहम्मद तुफैल जी ने की और लोगों की समस्याएं जो सलीम जी भाटी बीकानेर से हैं उन्होंने सुनी और युवा नेता अमित जी सहू ने उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया लोगों को और भाजपा सरकार द्वारा जो भी आगामी आने वाले समय में जो योजनाएँ जनहित में जारी हैं और उनके बारे में बताया और जो पूर्व में भाजपा द्वारा जनहित में कार्य किए गए उनके बारे में बताया। बारे में अमित जी को बताया गया है कि पटा नहीं बना हुआ है मदरसा इस्लामिया मीडिया का और उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में पटा जारी करवा दिया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ एवं राजस्थान कारागार कर्मचारी संगठन के आह्वान पर प्रदेश भर में जेलों में आज एक दिवसीय मैस का बहिष्कार किया गया। जेल कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की जा रही है। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर आज जेल कर्मचारियों ने मैस का बहिष्कार किया। इसके साथ ही उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया। जेल कर्मचारियों द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की जा रही है। जेलर महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर जेल कर्मचारी शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। आगामी 15 दिनों तक कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध जताएंगे। कर्मचारी संगठन एवं राजस्थान कारागार कर्मचारी संगठन के आह्वान पर आज राज्य की समस्त जेलों पे मैस बहिष्कार रखाने का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे जिला कारागार हनुमानगढ़ के समस्त कर्मचारियों द्वारा आज मैस का बहिष्कार किया जा रहा है। आगामी 15 दिवस तक काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक तरीके से हमारे मांगे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा ताकि राज्य सरकार का ध्यान हम जेल कर्मचारियों की तरफ जो भी हमारी मांगे हैं उनकी तरफ जा सके। बांधकर हमारे वेतन विसंगति के सामने जो चला आ रहा है काफ़ी समय से उसके बारे में है, जिससे शांतिपूर्वक हम राज्य सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएगी नहीं तो हम ताला लगा करके जेल बंद करके अपना वेतन विसंगति की प्रक्रिया को दूर करें।
पंचायती राज डिप्टी सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह राठौड़ अपने दौरे पर आज हनुमानगढ़ पहुंचे और पंचायत समिति कार्यालय में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट ली। डिप्टी सेक्रेटरी राठौड़ ने हनुमानगढ़ में हो रहे कार्य को लेकर संतोष जताया। पंचायत समिति हनुमानगढ़ पहुंचे पंचायती राज के डिप्टी सेक्रेटरी सुरेंद्र राठौड़ ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना, जल स्वावलंबन योजना, मनरेगा, ग्रामीण विकास योजना आदि के सफल क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। वही मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर पंचायत समिति द्वारा किए गए कार्यों पर संतोष जताते हुए जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत रहने की बात कही। इस दौरान उन्होंने धरने पर बैठे पंचायती राज के कर्मचारियों से भी मिले, ज्ञापन के जरिए सरकार तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। डिप्टी सेक्रेटरी ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और जल्द आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की हमारी जो समस्त योजनाएं हैं इसकी समीक्षा करने हेतु और राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट एंड गोचर बोर्ड जो कि हाल ही में राज्य सरकार ने एक नया बनाया है, जिसकी पहली बैठक हमारी फरवरी में हुई और 10 हेक्टर का पायलट प्रोजेक्ट हम सारी पंचायत समितियों में उसमें स्थापित करेंगे। ये माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, समस्त गाँव के अंदर में हमारे चारागाह विकास के लिए काम कर सकें उसका एक प्रयास रहेगा। इस जिले में कहाँ हमको स्थापित करना है ये मैं इसी हिसाब से और वीडियो हिसाब से तय करके जगह निर्धारित करेंगे। दूसरा जो ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाएं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस प्रकार से वीडियो साहब फीडबैक दे रहे हैं कि 800 का लक्ष्य और 800 के 8 से स्वीकृति जारी हुई है, जो कि इसके लिए तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। विभिन्न योजनाएं ग्रामीण विकास और पंचायती राज की जो चल रही हैं उनकी समीक्षा की, विशेष रूप से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा पर चर्चा करते हुए उन्होंने प्रगति को देख करके संतोष प्रकट किया। साथ ही ये भी निर्देश दिए कि इस गति को सतत बनाए रखें और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में तीसरे चरण की तैयारियां करें। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायत राज की अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की, विशेषकर न्यायिक प्रकरणों। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का बीए फाइनल, बीसीए फाइनल व एमएससी वनस्पति विज्ञान फाइनल का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों का महाविद्यालय में सम्मान किया गया। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का बीए, बीसीए, एमएससी फाइनल का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। बीसीए फाइनल में मंजू छिंपा ने 84.55% अंक अर्जित कर विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में चौथा स्थान। बीए फाइनल में अंकिता बिश्नोई ने 78.72% अंक अर्जित कर वरीयता सूची में छठा स्थान। एमएससी वनस्पति विज्ञान फाइनल में श्वेतांबरा प्रियम ने 80% अंक अर्जित कर विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में तीसरा स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। मंगलवार को महाविद्यालय में छात्र छात्राओं का माल्यार्पण करते हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। यूनिवर्सिटी में स्थान प्राप्त करके बेबी हैप्पी कॉलेज का नाम रोशन किया है। मैं इसका सारा सार अपने माता पिता और अपने स्टाफ से अपने ग्रेजुएशन पास किया 66% से और मैं आगे अपने गुजरों और माता पिता का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आगे बैंकिंग लाइन में। फाइनल और एमएससी वनस्पति विज्ञान फाइनल का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। बी सी ए के अंदर पूजा छिपा ने 84.55 अंक प्राप्त कर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। बी ए फाइनल के अंदर अंकिता बिश्नोई ने 78.72 अंक प्राप्त कर महाविद्यालय की छात्रा ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में छठा स्थान प्राप्त कर और सितंबरा ने एम एस सी फाइनल के अंदर 80% अंक प्राप्त कर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की सूची के अंदर थर्ड स्थान प्राप्त किया महाविद्यालय। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में हनुमानगढ़ के अभिमन्यु पूनिया विजयी हुए हैं। उन्होंने 1158 मतों से प्रतिद्वंदी अभिषेक चौधरी को हराया है। अभिमन्यु पूनिया की जीत से हनुमानगढ़ में खुशी की लहर है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल खेलकर और पटाखे बजाकर जीत का जश्न मनाया। अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस पार्टी, अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस पार्टी।
अवेयरनेस हुई कि चुनाव होने थे वो कल संपन्न हो गए, तो हमारे बड़े भाई अभिमन्यू पूनिया ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके NSU के प्रदेश अध्यक्ष पद पर वो निर्वाचित हुए। उन्होंने हनुमानगढ़ ही नहीं बल्कि राजस्थान का नाम रोशन किया है। अभिमन्यु पूनिया के NSU के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सभी युवा साथियों में खुशी की लहर है और उन्होंने हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है और हनुमानगढ़ जिले के जितने भी आज युवा है वो जगह जगह जश्न मना रहे हैं। अभिषेक चौधरी को 1198 मतों से रहे और ये उनकी राजस्थान की सबसे बड़ी जीत है NSU की। विश्व योग दिवस के अवसर पर जिला कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से बंदियों को योग करवाया गया। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से पिछले 3 दिनों से योग शिविर का आयोजन कर बंदियों को योग के जरिए निरोग रहने की कला सिखाई जा रही है। सीधे खेचो हाथों को ताकि श्वास पूरा अपने अंदर चला जाए। ऊपर खेचो और धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए ही तेरे और अपने आप को ऊपर को खेचते जाए। श्वास भरते रहो और छोड़ते रहो। श्वास छाती के अंदर धीरे धीरे नीचे। योग दिवस पर ये एक नेशन का अपने योग दिवस है और ये 18-19 से चालू कर रखा है 20 और 21, तो 3 दिन हो गए कोर्स चलते हुए। ये जो बंदी हैं इनके लिए जेल साहब ने वो रखा था, तो हम यहाँ हम आर्ट ऑफ लिविंग से हैं और ये कोर्स जो इससे ऊपर के भी हैं, पहले वो भी मैं करा के चला गया हूँ यहाँ पर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। जोना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।